भाई तड़का ही के बड़ा बड़ा हो रहा है, 1 घंटा हो गया, समझ में नहीं आ रही कड़ा हो रहा है। चिड़िया लाग रही थी मेरे तो समझ में कौन, एक ही बार ये गई, ये लाग रही थी। हम फोटो देख देख इसमें, जैसे इसमें खुद की इसने शक्ल दिखा नहीं जान कबाम और कोई ऐसे तो नहीं होता है। तो हम लाग रही थोड़ा वहाँ पर बैठ के बड्डा बड्डा, तो जिसने नहीं बेरो उसने बता दूँ यह तूड़ी छणन की मशीन है। अड़ा के तूड़ी ये 20 के भीतर डाली है यहाँ घूमे। अच्छा इसमें तूड़ी गिरा ताहड़ करके, या तूड़ी है जिसको बोलते हैं भूसा, जिसने भैंस खाया करी हम का गिरा इसमें थोड़ी सी थोड़ी गिरी तो आगन कौन गई, नहीं तो आगन तुझे आगन गिर के यूँ घुमा दे, इसमें यूँ घुमावा तो इसका तूड़ी लकड़े आओगी इसमें या इसका छण के, और जो गर्दा है वो ही आ जाओ। हमको सिखा रिया है तो देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। पहले इसमें छाणिया करता जिस तरह यह जाड़ू है ना, जाड़ू बोलिया कर इसमें का टेडो खड़े होकर किसने, इसमें तूड़ी गिरा तो पीछे गर्दा और आगे तूड़ी रह जा, समझ गया समझ रहे हो ना। सो भाई जो लोग मेरे साथ दिल से कनेक्टेड है उनको पता होगा मैं गांव में आ चुका हूँ, मतलब गम मारे हूँ मैं, 1-2 दिन हो गया। क्या कर रहे थे दी? अच्छा सो ये अपने गेहूँ है जोड़ा पहली सरसम बोई थी और जो कि खराब हो गई थी, बाद में गेहूँ बो दिया तो आज आओगे स्प्रे करनी हो ट्रैक्टर वालों, थोड़ी बहुत हो तो टंकी भी हो जाए, टंकी भी दिखाऊंगा तुमने किस तरह आकर। ये अपने झाड़ियाँ बेर लग रहे हैं देखें, सही है ना मस्त। मैं काटड़ी देखा है यो क्या आ गया, या जोई और सरसम बोरा के डांगरा खाता, या झाड़ी छांग दी थी तो या छोटी है लेकिन बेर इसका भी लाग रहे हैं, छांगे न्यू थी या न्यू ही घनी बड्डी हो रही थी, तो मैं छांग के देखा कितना बेर लागेगा, इसका भी लाग रहे हैं सही। ओके गाइस लाइक करें फॉलो करें। सो राम राम जी सारन, मैं तेरा अपना छोराणु मुरवा थोड़ा स्वागत करूँ मेरे नई वीडियो में, गाँव मत स्वागत हो रहा है सिद्धो जहाज में बैठ के गुड़ गाँव मत जहाज वालों के मैटर है, मिनी ब्लॉग देख लेना। जय जय राम राम यो बेस्ट विशेज को अशोक को पेड़ है, फोकस हो जा, फोकस फोकस कैमरामैन फोकस करो, फोकस करो कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कौन नहीं हो रहा ये भी कहो गया, बेस्ट विशेज बेस्ट क्वालिटी को अशोक को पेड़ ठीक है, लाइक करें फॉलो करें। ये अपना गेहूँ और ये भी अपना गेहूँ, बीच में सरसम अपने को नहीं आग लगी हूँ भी अपना, फिर बता गेहूँ सरसम बूझ ली से दादी ने कहा साथी पढ़ने आई है बूझ ली भाई के बोरा क्यों है मुकान नहीं है ना, फिर बड़ा बड़ा होने लग गया। सुनो आवाज़ सुन के देखो, सुना है बड़ा बड़ा इसका दिखा तो कौन कड़ा सी लग रही वह लग रही देखो उड़गी 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 इनका खुद की शक्ल पसंद को नहीं, या बोगम बेल जो पिछली वीडियोस में आपने देखी होगी हम लेके आए थे तो गुरसली है इनका खुद की शक्ल पसंद को नहीं, क्योंकि ये मेकअप कौन कर रही लगा है फिर ये डरगी देख कर तो या तो दूसरी है मैं तो कौन आई तो बड़ा बड़ा लग गया। ये क्या है गिलहरी
हरियाणा में इसने तिलकाटी बोला करें, ठीक है। बाजा बाजी, यो हवाई स्प्रे की टंकी छोटी और इसने कड़ियाँ पटांग की, ये इसको फुहार हुआ बैटरी चल रहा है। तो 20 लीटर तक इसमें वो आ है पानी। दूब की स्प्रे करी थी इसते पापा ने, जो यह दूब नहीं जम रही है राम, इसकी स्प्रे करी थी तो यह बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी खेत में खड़ खातर आवेगी ट्रैक्टर वाली, जिसते काफ़ी ज़्यादा एरिया में एक साथ कर सका है। और जो सब छत पर टंकी दरियो है उसी से उसका टंकी होगा, ठीक है। तो जो गांव में रहते हैं उनको तो पता होगा, और जो शहर में रहते हैं वो देख लेना कैसी होती है। तो सब कन शेयर कर दो शहर शहर वाला कर। यो मारो काटड़ो है, कई दिन कई साल भैंस काटड़ो ले आई थी, ये बाकी फीमेल्स हैं। ये लस्सी है जो काटड़ा तहीं दे रखी हमने, और इसने भी छोड़ दी काटड़ो भी लस्सी कौन भी हमारी। और शहर में क्या है, 10 रुपये की जो थैली आती है उसमें भी पानी पानी आता है, सफ़ेद रंग का पानी जिसको हम बोल सकते हैं, उसको पीते हैं। वाओ, दिस इज ए लस्सी, दिस इज छाछ, मीठी लस्सी 20 रुपये की ये गिलास। अरे अरे काटड़ो भी कौन पियो लस्सी बता भाई, जरूरी कौन ही लुगाई सुतरी हो आदमी बुंडो, काटड़ो सुतरो मारो काटड़ी बुंडी है, ठीक है। डंगर ना हो सारो समझ सको हो, समझ गयो काटड़ो आ गयो। यह स्प्रे की टंकी है ट्रैक्टर को चल लगी, यह नलकी चला दी है इसमें पानी भर के, यह स्प्रे है जो मिलाओगे इसमें ट्रैक्टर वालों। यह गेर दी इसमें पहली भी खाद छिड़की थी दवाई की। भाई शुरू कर दिए सफरे, तब तो लग रहे हैं ना ये ट्रैक्टर वाला, और पापा गलन खड़े हैं, मैडम नलकी पकड़ी खड़े हूँ। ये ट्रैक्टर वाला है, इसमें जो सर्विस स्टेशन पर गाड़ी धोया करी वह उसी मोटर लागी हो है मशीन, जिस पर प्रेशर बना है तो न्यू चल रहा है। 500 लीटर की टंकी हो है, मन तो यह हटाने है बस कट वक्त। पाइप छोटी रह गई थी भाई, आखिर ते कौन पूछण पाई, तो ट्रैक्टर आगन करनो पड़ो, जो ही मैं कह गई हम लेनो पड़ो। बीच में जंडी आ गई, जंडी आ गया नहीं तो उरली साइड होगा ये तो पहुंच जाए ठेठ। तो ई मैं खड़े हूँ नलकी की सेफ्टी खातर, कदे उड़ तुले कड़िया हुआ पर यह बैंड को नहीं हो कितना तो, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हाई प्रेशर होता है और यह नलकी भी थोड़ी ज़्यादा मोटी हो है, और जो आवे उस तक इस तरह चल लग रहा है पी टी ओ था ट्रैक्टर की या मशीन है, बाकी आज जल्दी कम हो गई टंकी बच रहे पानी होगी नलकी समेट। सब लाइन जोड़न लग रही है, जोड़ के चल गया, ये वापिन भी जोड़नी है अगले इसमें गे वाले
उड़ा के लेने हैं। ये लाग रही देखो ट्रैक्टर गयो भाई स्प्रे करके, और स्प्रे जिसने ना बेरा बता दू क्यों करी जा है, क्योंकि तो गेहूँ में हो जाए फालतू को अड़ंगो इन दिन बताऊँ तो खरपतवार जिसको बोलते हैं बेमतलब को घास फूस जिसको गेहूँ हम कोई काम को नहीं, जिस तरह म्याल पर के जाम रहे हो और गेहूँ हम भी किता किता हो जा है। तो भाई स्प्रे करी जा है जिस तरह गेहूँ की पैदावार बढ़ जाए, किताब हम जिस तरह पढ़िया करता कीटनाशक दवाइयाँ मिलाई जाती हैं जिससे कि गेहूँ की पैदावार बढ़ जाती है और जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है भाई पापा ये गया टंकी लगाओगो या इसमें खाद यूरिया जो हवा गाल दे तो खाद छिड़कने को नहीं पड़े। इसमें दो नलके हुए हैं, दो बार लगे हुए हैं जो कि एक में पानी जाया करे टंकी में, फिर टंकी में देखो उल्टो आया करे और बीच में इसका एक पाती से हो है जिस तरह टक्कर बन जाए तो पानी चल जा टंकी में, जिसके नीचे वाल है खाली करने खातर और ये इसमें जुड़ जाए। ये गर्म पानी में डबो दे क्योंकि कड़ी हो रही थी जाडो जाडो मार रहे थे इन्हें। इसमें क्लिप खींच दी लकड़ा नहीं था कि ये हो गया डन। इसमें खाद गल जाएगी और ये इसमें का प्रेशर काटने खातर आया करा हवा काटने खातर मतलब वाल सो है नीचे गए वाल है जिसमें का पानी लग जाए, इसमें खाद मिल जाए और यो इनको इनलेट को पाइप से इसके अंदर वो है नीचे तो जा रहा जो आउटलेट को ऊपर हो है इनलेट को नीचे जी दो है ताकि खाद आराम तो मिल जाए। ठीक है फिर इसको ऐसे बंद कर देते हैं भाई साहब। ये ब्लैंड बदलनी शुरू कर दी है शेर ने और शेर को पापा नोजल लगाओ से और मैं पाइप ठा के ले जाऊँगा क्योंकि एक नोजल और एक पाइप लगाना है। देखो शेर दो नलका खा रहे दो नलका पापा नोजल धर दिए दो एक नल को एक नोजल मतलब एक या नोजल फिर इसका का एक नलको लाग नलको ला के एक लाग की नोजल यूँ करता करता भी मैं तीन पूछ जाऊँगा उसके बाद कितना घंटा बेवनी है बेगी साइड में सरकता चलना जितना जितना अपना खेत से जैसे कि एक ही नलका ले इसके बाद एक नलका डलेगा ये नलका फिर ये नोजल फिर वो नलका फिर नोजल समझ गया। ओह न्यू ही खान में दाना को न्यू इनका बात करने पड़ा है समझ गया ना। इसमें स्प्रे न्यू कौन करवाई क्योंकि ये लेट बोया था तो बेगी पानी देगी एक बार पाछे स्प्रे करवाऊँगा। ठीक है गाइस चढ़ गया एक बार ना जोड़ दो जिस तरह ये पाइप से इसमें यूँ गाल के और यूँ कुंतों गाल के आगे सर कर दे तो लाइन जुड़ गई ना यूँ या ठेठ से ही जोड़ने हैं भाई। लाइन तो बदल ली है सारी लगा दी ठेठ से ही और बीच में जो टिकारा ऐसा दिखे ना पीला पीला ये तो अणक लग गई डिमक एक बार तो दवाई छिड़क दी थी ये फिर छिड़कनी पड़ी है बताओ क्या करा किसान कड़े जा कोई मी पड़ जा तो कोई डिमक लग जा सरसम बोई थी और जमी है कोनी। ठीक है